आज हम सारणिक को स्टार्ट करेंगे। आव्यूह हम कंप्लीट कर चुके थे, अब हम सारणिक को पढ़ेंगे। तो सारणिक में सबसे पहले हम आपको बता दें कि कैसे हल करते हैं। तो सारणिक मान लीजिए, सारणिक और आव्यूह में अंतर क्या है। आव्यूह को हम ऐसे बड़े कोष्ठक के रूप में ऐसे जनरेट करते थे, लेकिन हम अब सारणिक में हम सीधी सीधी दो लाइन लगाएंगे, थ्री, और इसी हम पढ़ेंगे सारणिक। जैसे इसी हम कहेंगे सारणिक ए है, और यदि इस टाइप से कोई आपको दिया जाता है तो आप कहिएगा यह एक आव्यूह है। आव्यूह में थोड़ा सा हम लाइनों को नीचे की ऊपर की ओर बढ़ा देते हैं, यह आव्यूह है और यह एक सारणिक है। तो अब जानिएगा, आव्यूह हम पढ़ चुके थे, अब हमें सारणिक पढ़ना है। तो सारणिक में सबसे पहले इसे हल कैसे करते हैं। तो सारणिक को हल करने के लिए पहले टू के प्लस, माइनस और प्लस लगाएंगे। तो पहले प्लस टू के लिए हल करेंगे तो हो जाएगा जीरो माइनस छप्पन। जैसे टू की पंक्ति, दो के लिए पंक्ति और दो के लिए स्तंभ को बंद करेंगे, दो की पंक्ति और दो के स्तंभ को बंद करेंगे तो जीरो माइनस छप्पन। माइनस सात के लिए यदि हम हल करते हैं तो सात की स्तंभ को और सात की पंक्ति को बंद करें तो जीरो माइनस जीरो का सिक्स में मल्टीप्लाई तो जीरो, माइनस थ्री का सेवन में तो ट्वेंटी वन हो जाएगा। प्लस वन की वैल्यू वन के लिए हल करेंगे अगले वाले प्लस वन के लिए, तो वन के लिए वन की पंक्ति को बंद के स्तंभ को बंद कर लेंगे और वन की पंक्ति को बंद कर लेंगे। तो एट का मल्टीप्लाई सिक्स के साथ तो फोर्टी एट आ जाएगा, और थ्री का सिक्स के साथ तो आ जाएगा हमारे पास माइनस के टू मल्टीप्लाई फिफ्टी सिक्स हो जाएगा। तो माइनस के वन वन टू आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस तो आ जाएगा सेवन, ये आ जाएगा, और माइनस का प्लस का थर्टी आ जाएगा। हमने इसे कैलकुलेशन कर चुके हैं, तो यहाँ टोटल ऐड करेंगे तो माइनस का वन वन टू प्लस का हो जाएगा सेवन सेवन वन, तो सबट्रैक्स कर देंगे तो फाइव आ जाएगा, सिक्स आ जाएगा, और बस इतना थर्टी सिक्सटी फाइव आ चुकेगा। तो इस टाइप से हम सारणिक को हल करते हैं, यह हमने आपको एक सारणिक को हल करने की विधि बताई है। अब हम आगे जानेंगे फोर ए एक्सरसाइज को आपको लगाना है। फोर ए एक्सरसाइज को आप निकालिएगा, प्रश्नावली फोर ए को। फोर ए में हम जानते हैं कि यदि इसे दो बाई दो का एक सारणिक दिया जाए आपको, जैसे दिया गया है वन थ्री टू फोर, वन थ्री टू फोर, तो हमें सारणिक ए का मान निकालना है। तो इसके लिए हम करेंगे तो फोर का वन के साथ फोर, माइनस थ्री का सिक्स के साथ सिक्स, तो बराबर माइनस का टू। पहले फोर का मल्टीप्लाई वन के साथ, फिर थ्री का टू के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, तो इस टाइप से माइनस टू हमारे पास सारणिक आ जाएगा। आगे हम देखते हैं, अब हम फोरे में सवाल देखेंगे। आपको ये क्वेश्चन लगाना है, जैसे हम आपको बताएं छठवी का दूसरा सवाल जो दिया गया है पुस्तक में, क्वेश्चन है कि एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन और एक्स प्लस वन, और अगला है एक्स माइनस वन और अगला एक्स प्लस वन। अब हम इसे कैलकुलेट करेंगे तो हो जाएगा, इसका मल्टीप्लाई इसके साथ कराएंगे तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, इसका इसके साथ मल्टीप्लाई तो एक्स प्लस वन, माइनस इसका इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा एक्स प्लस वन और एक्स माइनस वन। अब हम आगे करेंगे कैलकुलेशन, तो एक्स प्लस वन को कॉमन ले लेंगे तो एक्स प्लस वन कॉमन आ जाएगा तो हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन। अब एक्स प्लस वन बाहर आ जाएंगे तो माइनस एक्स प्लस वन ये बचेगा। तो आगे हम देखेंगे तो एक्स प्लस वन, आगे हम देखेंगे एक्स स्क्वायर, वन वन एड हो जाएगा तो माइनस का टू एक्स माइनस प्लस का टू। इस टाइप से हमारे पास कैलकुलेशन आ चुका है। आगे हम क्वेश्चन देखेंगे, फोर ए एक्सरसाइज पढ़ रहे हैं। फोर ए एक्सरसाइज में
आपको जैसे क्वेश्चन नंबर 11 जो दिया गया है, क्वेश्चन नंबर 11 में दिया गया है कि यदि a बराबर, यदि a बराबर 1422 हो तो हमें बताना है, प्रूफ करना है 2a सारणिक बराबर 4 सारणिक a। यह एक आव्यूह है, यही अब किताब में आपको थोड़ा त्रुटि दी गई है उसे सही कर लीजिए। यह एक आव्यूह दिया गया है, ठीक, तो उसे सही करना है आपको। तो पहले इसका सारणिक a की वैल्यू निकालेंगे, जैसे पहले आव्यूह में 2a है तो 2a आव्यूह निकालेंगे, तो 2 मल्टीप्लाई 1422 और 2 का मल्टीप्लाई प्रत्येक एलिमेंट्स में कर देंगे तो 2844 आ जाएगा। इसे हम सॉल्व करेंगे तो हो जाएगा 8 माइनस 32 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 24। तो ये 2a की वैल्यू है और ये हमने सॉल्व कर दिया तो 2 सारणिक a की वैल्यू आ गई है, सारणिक 2a की वैल्यू आ चुकी है माइनस के 24 आ चुकी है। तो ये हमारे पास LHS आ चुकी है। अब हम निकालेंगे 4 × सारणिक a, पहले हम आव्यूह का सारणिक a निकालेंगे फिर उसमें 4 का मल्टीप्लाई कर देंगे। तो जैसा हमारे पास दिया गया है ए आव्यूह सारणिक आव्यूह निकालेंगे तो पहले a बराबर दिया गया है, नोट कर लीजिएगा 1422, तो इससे पहले हम सॉल्व करेंगे तो 2 - 8 आ जाएगा, तो यहाँ आ जाएगा माइनस का 6। ये सारणिक a की वैल्यू आ चुकी है। अब वो कह रहा है 4 का मल्टीप्लाई करना है तो 4 सारणिक a तो बराबर 4 मल्टीप्लाई माइनस 6 तो बराबर माइनस का 24 आ जाएगा। तो हम जी हमारे पास RHS है, ये हमारे पास RHS है और ये हमारे पास LHS है, तो हम कह सकते हैं कि LHS बराबर RHS, अर्थात हम कह सकते हैं कि 2a सारणिक बराबर 4 सारणिक a। इस टाइप से क्वेश्चन नंबर 11 हम प्रूफ कर चुके हैं। आप लोगों को क्वेश्चन नंबर 12 लगाना है, सेम इसी तरह का क्वेश्चन है, उसमें भी आपके पास सारणिक दिया गया है लेकिन उसमें वास्तव में वहां पर आव्यूह है, आप उसे सही कर लीजिएगा। तो अगले क्वेश्चन है 4a एक्सरसाइज में, पहले से नोट कर लीजिएगा। फोरे में अगला क्वेश्चन है, जैसे दिया गया है 16 नंबर से क्वेश्चन लगाएंगे हम, सॉल्व करेंगे। यदि -6, 3, 2 और x बराबर 18 हो ज्ञात करना है, तो हम इसे सॉल्व करेंगे तो माइनस का 6x माइनस का, पहले x का माइनस 6 में मल्टीप्लाई करेंगे फिर माइनस 3 का 2 में करेंगे तो माइनस 6 बराबर माइनस प्लस का 18 आ जाएगा, तो माइनस 6x बराबर हो जाएगा माइनस प्लस के 18। आगे आपको और भी क्वेश्चन इस टाइप से सॉल्व करना है।